सहजनवा पुलिस ने गश्त के दौरान शनिवार की सुबह ट्रक पर लदे 29 गौवंश के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्कर ट्रक में गोवंश को लादकर बिहार लेकर जा रहे थे। गौरतलब है कि सहजनवा थानेदार राजप्रकाश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में गोवंश लादकर तस्कर फोरलेन होते हुए बिहार की तरफ जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पुलिस टीम के साथ कसरावल के पास फोरलेन पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो ट्रक लेकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने ट्रक को रोक चालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों की पहचान आजमगढ़ निवासी सरफराज अंसारी, याकूब अंसारी, सुल्तानपुर जिले के रामनगर आजाद नगर निवासी अख्तर अंसारी और रवि के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह गोवंश को अंबेडकर नगर से गोपालगंज बिहार ले जा रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, सहजनवा में हाईवे पे एक संदिग्ध वाहन को रोक के चेकिंग किया गया। उसमें काफ़ी मात्रा में गाय मिले हैं। इसमें चार पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। उनको न्यायिक हिरासत है तो भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ चार्जशीट लगा के गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई करनी है तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ साथ उससे जुड़े हुए इस धंधे से जुड़े हुए आगे भी कौन क्या है, कितने लोग इसमें गैंग में शामिल है, सबके बारे में जांच करने का निर्देश दिया।